स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम्स एग्जांपल नंबर फोर इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरलोग्रैम स्टूडेंट्स वी नो द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ पेरलोग्रैम इज़ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट टू सिंपली स्टेप नंबर वन इज़ द स्टार्ट ऑफ एलगोरिथम यूजिंग कीवर्ड स्टार्ट स्टेप नंबर टू में वैल्यूज एंटर होंगी इन द फॉर्म ऑफ इनपुट इनपुट कीवर्ड के साथ नंबर्स एंटर होंगे बेस और हाइट की फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री कैलकुलेशन होगी यूजिंग कीवर्ड सेट सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाईड बाई हाइट बेस और हाइट की वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी स्टेप नंबर फोर में एरिया आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले होगा विद कीवर्ड आउटपुट स्टेप नंबर फाइव इज द एंड ऑफ एल्गोरिथम एग्जाम्पल नंबर फाइव इज टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ थ्री गिवन नंबर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेप नंबर वन इज द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम स्टेप नंबर टू में थ्री नंबर्स एंटर होंगे उन थ्री नंबर्स को कंप्यूटर मेमोरी में सेव किया जाएगा विद नेम्स एन n1, एन वन एन टू नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री कीवर्ड सेट यूज़ करते हुए प्रोसेसिंग हो रही है लार्ज नंबर डिक्लेयर किया जा रहा है एन यानी जो भी पहला नंबर एंटर हो रहा है वो ही लार्जर नंबर है ये सपोज किया है उसके बाद हम कंपैरिजन से लार्जर नंबर फाइंड करेंगे स्टेप नंबर फोर और फाइव में कंडीशन यूज़ हुई हैं हमने सपोज़ किया है एन नॉट इज़ द लार्जर नंबर अब हम इस सपोज्ड रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए लार्जर नंबर फाइंड करेंगे कीवर्ड इफ़ यूज़ हुआ है इफ़ एन वन इज़ ग्रेटर देन लार्ज यानी लार्ज क्या है एन नॉट इफ़ एन वन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट दैन सेट लार्ज टू एन वन के इस केस में लार्ज कौन सा नंबर बन जाएगा एन वन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेप नंबर फाइव में इफ़ की वर्ड के साथ एक और कंडीशन है इफ़ एन टू इज़ ग्रेटर दैन लार्ज इफ एन टू इज ग्रेटर दैन एन नाट दैन सेट लार्ज टू एन टू यानी केस में क्या होगा कंडीशन ट्रू होगी तो एन नाट लार्जर नंबर होगा जो भी नंबर लार्जर हो स्टेप नंबर थ्री फोर और फाइव के बाद वो स्टेप नंबर सिक्स में डिस्प्ले होगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड स्टेप नंबर सेवन इज द एंड ऑफ एल्गोरिथम स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर नाइनटीन एंड ट्वेंटी डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम नंबर फाइव इज गिवन ये हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सिक्स इज टू असाइन ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में सिंपली सब्जेक्ट मार्क्स एंटर होंगे और इन मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड प्रिंट होगा स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेप नंबर वन इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम विद कीवर्ड स्टार्ट स्टेप नंबर टू में डेटा वैल्यूज़ एंटर होंगी डेटा वैल्यूज़ हैं ऑप्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स ये इसी नेम के साथ कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होंगी स्टेप नंबर थ्री में प्रोसेसिंग हो रही है कैलकुलेशन हो रही है परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है परसेंटेज इज इक्वल टू ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड स्टूडेंट्स यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट होगी और इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड असाइन होगा नेक्स्ट स्टेप में कंडीशन हैं इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन एटी देन सेट ग्रेड टू ए प्लस अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ग्रेड आएगा ए प्लस अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस केस में चेक होगा कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन सेवेंटी के परसेंटेज ग्रेटर दैन सेवेंटी है अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन सेवेंटी है तो ग्रेड सेट होगा ए अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अगेन एक और कंडीशन है चेक होगा कि परसेंटेज ग्रेटर दैन सिक्सटी है या नहीं अगर तो ग्रेटर दैन सिक्सटी है तो ग्रेड बी प्रिंट होगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो चेक होगा परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन फिफ्टी और नॉट अगर ग्रेटर देन फिफ्टी है तो ग्रेड सी प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स में एक और कंडीशन है एल्स इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन फॉर देन सेट ग्रेड टू डी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ग्रेड डी प्रिंट होगा अदरवाइज फॉल्स पाथ में जिसको हम एल्स से शो करते हैं एक और कंडीशन है इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन थर्टी थ्री दैन सेट ग्रेड टू ई अगर परसेंटेज थर्टी थ्री से ग्रेटर है तो ग्रेड ए प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एक और एल्स पाथ है एक और फॉल्स पाथ है जिसमें ग्रेड एफ प्रिंट होगा यानी कि अगर परसेंटेज 80, 70, 60, 50, 40, थर्टी थ्री की रेंज में नहीं है तो 33 से लेस तमाम वैल्यूज़ के लिए ग्रेड एफ प्रिंट होगा स्टेप नंबर फाइव में आउटपुट है आउटपुट ग्रेड की फॉर्म में है यानी कि ग्रेड प्रिंट होगा एंड स्टेप नंबर सिक्स इज़ द एंड ऑफ एल्गोरिथम स्टूडेंट्स हमने टॉपिक की ऑफ एन एल्गोरिथम में डिस्कस किया था कंडीशंस को चेक करने के लिए की वर्ड इफ़ एल्स यूज होता है अगर इफ़ के साथ जो कंडीशन है वो ट्रू हो तो ट्रू पाथ फॉलो होगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पाथ फॉलो होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेवन टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का भी फ्लो चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपली स्टेप नंबर वन इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम स्टेप नंबर टू में डेटा वैल्यूज़ एंटर हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट रेट ईयरस स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपली स्टेप नंबर थ्री में प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ईयर्स इन द स्टेप नंबर फोर आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन इंटरेस्ट स्टेप नंबर फाइव इज द एंड ऑफ एल्गोरिथम एग्जाम्पल नंबर एट इज़ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरन हाई टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा यानी कि हमने एल्गोरिथम लिखना है टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरन हाइट एंड फ़ॉर हाइट टू सेल्सियस स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं अगर टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन हो फॉरन हाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम सेल्सियस टेम्परेचर को नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं फ़ाइव से डिवाइड करते हैं जो भी डेटा वैल्यू आती है उसमें थर्टी टू एड करते हैं अगर हम रिवर्स केस की बात करें यानी कि अगर फ़ॉन हाइट टेम्परेचर गिवन हो और इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं सिंपली 32 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा एफ़ माइनस थर्टी टू ये फाइव इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये नाइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स हम यही फार्मूलाज यूज़ करेंगे स्टेप नंबर वन इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम स्टेप नंबर टू में इनपुट में नंबर एंटर होगा सेल्सियस टेम्परेचर उसके बाद फॉरन हाईट टेम्परेचर कैलकुलेट होगा यूजिंग दिस फार्मूला सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई नाइन डिवाइड बाई फाइव प्लस थर्टी टू और स्टेप नंबर फोर में आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ फॉरन फॉरन हाई टेम्परेचर नेक्स्ट स्टेप नंबर फाइव अब रिवर्स केस डिस्कस कर रहे हैं टू कन्वर्ट फॉरन हाई टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर इनपुट में नंबर एंटर हो रहा है फॉरन हाई टेम्परेचर ये इसी नेम के साथ स्टोर होगा कंप्यूटर मेमोरी में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर सिक्स में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट फॉरन हाइट टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर सेट सेल्सियस टू फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइड बाई नाइन स्टेप नंबर सेवन में आउटपुट है सेल्सियस टेम्परेचर एंड स्टेप नंबर एट इज़ देंड ऑफ एलगोरिथम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर नाइन इज फाइंड इवन नंबर रेंजिंग फ्राम एन वन टू एन टू वेयर एन टू इज ग्रेटर दैन एन वन स्टूडेंट्स एक रेंज गिवन है एन वन टू एन टू और हमें इस रेंज में इवन नंबर्स फाइंड करने हैं स्टेप नंबर वन इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम स्टेप नंबर टू में नंबर्स एंटर होंगे इन द फॉर्म ऑफ एन वन एन टू एन वन इज़ द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द रेंज एंड एन टू इज़ द एंडिंग वैल्यू ऑफ द रेंज उसके बाद स्टेप नंबर थ्री में कंडीशन है स्टेप नंबर फोर में भी कंडीशन है स्टेप नंबर फाइव सिक्स ये थ्री फोर फाइव सिक्स स्टेप्स लिंक्ड हैं सबसे पहले जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो चेक होगी कि वो एंडिंग वैल्यू से स्मॉलर है या नहीं स्मॉलर इक्वल साइन आपको नजर आ रहा है दोनों में से कोई एक कंडीशन भी वेरीफाई होगी तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग पॉसिबल है एन वन इज़ लेस देन एन टू अगर ये कंडीशन ट्रू है देन एन वन मॉडुलस टू इक्वल जीरो फिर क्या होगा मॉडुलस ऑपरेटर एन वन को टू से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रिटर्न करेगा अगर तो रिमाइंडर जीरो है देन इट मीन्स नंबर इज इवन तो वह नंबर डिस्प्ले हो जाएगा डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सेट एन वन टू एन वन प्लस वन यानी जो अभी नंबर प्रोसेस हुआ है उस नंबर में वन ऐड कर दें ताकि नेक्स्ट नंबर आ जाए अब नेक्स्ट नंबर अपडेट हो गया है अब नेक्स्ट एन वन प्रीवियस एन वन में वन ऐड करने के बाद आ चुका है जैसे ही नंबर अपडेट हुआ है गो टू स्टेप थ्री हम कहाँ जाएंगे स्टेप नंबर थ्री पे दोबारा यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक हो रही है कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है ट्रू हो रही है तो दोबारा से मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा रिमाइंडर जीरो आएगा इट मीनस नंबर इज इवन अदरवाइज नंबर इज ऑड नंबर ऑड होगा तो प्रिंट नहीं होगा इवन होगा तो प्रिंट होगा उसके बाद एन वन की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी दोबारा से स्टेप थ्री पे जाएंगे ये प्रोसीजर चलता रहेगा ये रेपिटेशन होती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती और स्टेप नंबर सेवन इज़ द एंड ऑफ एल्गोरिथम